हेलो, स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त अभिषेक। आज फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब वो जिंदगी के सफर में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो जाती है, और जिस बीमारी का नाम है घमंड। और जो बीमारी उनको अंदर ही अंदर खत्म कर देती है, उस इंसान का सर्वनाश कर देती है, और उसको खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि घमंड यानी कि ईगो इंसान को कभी एहसास नहीं दिलाता कि वो कमजोर हो चुका है। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक जंगल था, और उस जंगल के बीचों बीच दो बहुत बड़े वृक्ष थे, और उनमें से एक वृक्ष पीपल का था और एक वृक्ष आम का था। बहुत बड़े थे, बहुत विशाल थे, लदे पड़े थे एकदम फलों से, पत्तियों से, फूलों से। एक बार की बात है, एक मधुमक्खी उस जंगल के अंदर गई, और जाने के बाद पीपल के पेड़ से उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई, मैं आपके पेड़ पर, आपकी टहनी पर मैं वसेरा कर सकती हूं, मैं छत्ता लगा सकती हूं। तो पीपल के पेड़ ने ईगो में, घमंड में उससे बोला कि मैं इतना विशाल हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे किसी की कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, मुझे किसी का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मैं शांति से रह सकता हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मधुमक्खी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं सिर्फ छत्ता लगाऊंगी और आराम से रहूंगी, लेकिन उसने नहीं माना। ये बात आम का पेड़ सुन रहा था। आम के पेड़ ने मधुमक्खी को बुलाया, और बुलाने के बाद उससे बोला कि बहन, आप मेरे पास छत्ता लगा लीजिए, मेरी पेड़ की टहनी में छत्ता लगा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मधुमक्खी ने छत्ता लगाया, और बहुत सारी मधुमक्खियां उस आम के पेड़ पर छत्ता लगा करके रहना शुरू कर दी। इस बात को कुछ समय गुजर गया था। कुछ समय के बाद लकड़हारे उस जंगल में आए, और जंगल में आने के बाद पेड़ों को देखते देखते उनकी नजर आम के पेड़ पे पड़ी। उन्होंने देखा, वाह क्या बात है यार, इतना शानदार, इतना बड़ा पेड़, इसको अगर हम काटेंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो आम के पेड़ के नीचे पहुंचे, काटने के लिए शुरू हुआ, वैसे ही उनकी नजर पड़ी मधुमक्खी के छत्तों पर, कि दसियों मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं। और उनके दिमाग के में एक विचार आया कि अगर हम इसको काटेंगे तो मधुमक्खियां हमें छोड़ेंगी नहीं। तो जैसे ही उन्होंने उस पेड़ को काटने का विचार अपने दिमाग से हटाया और वापस चलना शुरू किया, तो सामने उन्हें पीपल का वृक्ष नजर आया। और पीपल का वृक्ष नजर आया तो देखा, क्या वाह क्या बात है यार, ये तो उससे भी शानदार है, पीपल के पेड़ की लकड़ी आम के पेड़ से ज्यादा महंगी जाएगी, चलो इसको काटते हैं। और जाने के बाद पीपल के पेड़ को काटना शुरू कर दिए। पीपल के पेड़ की टहनियां कट रही थी, पीपल के पेड़ को तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था। जिस दर्द को देख करके आम ने मधुमक्खियों से बोला कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, हमें उसको बचाना चाहिए, वो गलत है तो क्या हुआ, हमें तो गलत नहीं बनना चाहिए। और मेरे भाई, मधुमक्खियां गई, जाने के बाद उन लोगों को काटना शुरू की, वो लोग पीपल के पेड़ को काटना बंद करके वहां से भाग गए। जब वो लोग वहां से भाग गए तो पीपल के पेड़ ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया, थैंक्स बोला कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई। मधुमक्खियों ने बोला कि मैंने नहीं, ये काम तो आम के पेड़ ने किया, क्योंकि वो हमसे नहीं बोले होते तो हम आपको बचाने नहीं आते। उन्होंने मुझसे बोला कि आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन हमें उसकी तरह तो नहीं बनना चाहिए, कोई कैसा भी हो, हमें अपना स्वभाव कभी नहीं बदलना चाहिए, इसलिए हम आपके पास आए और आपकी मदद की। और पीपल का पेड़ इतना ज्यादा नर्वस हो चुका था, उसका अहंकार मर गया था, और उसने फिर मधुमक्खियों को इनवाइट किया कि आप मेरे पेड़ पर भी छत्ता बना सकती हैं। इस छोटी सी कहानी से मित्रों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, आप कितने भी विशाल क्यों ना बन जाएं, कितने भी अमीर क्यों ना बन जाएं, कितनी भी ऊंचाइयां क्यों ना छू लें, लेकिन अहंकार, घमंड कभी आपके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार, ईगो इंसान की एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को पता नहीं चलने देती और उसका सर्वनाश कर देती है। वो कहते हैं ना कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो हम तो इंसान हैं। तो मेरे भाई, ईगो आपके जीवन में कभी भी नहीं आना चाहिए। आपका स्वभाव नम्र होना चाहिए, आपका स्वभाव शांत होना चाहिए, आपका स्वभाव दयालु होना चाहिए, लोगों के प्रति अच्छा होना चाहिए। हमेशा लोगों की मदद करें, हमेशा लोगों के साथ रहें, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा एक अच्छी प्रेरणा दें, और उनके प्रेरणा के स्रोत बने, जिससे कि जीवन में वो आपकी आकर के मदद कर सकें। तो जब तक के लिए नहीं मिलते, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर पड़े तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों।